गाइस, आप सब कैसे हैं? वैसे आज मैंने ना गर्मी थी बहुत, तो और घर पे ही रहना है, बाहर जाने का कुछ प्लान तो है नहीं, तो हमने मतलब हाफ टी शर्ट और जो भी है वही पहना है और शॉर्ट्स है। तो मैंने कहा यार घर पे रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्दी अपडेट देता हूँ। सो जैसा कि गाइस मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी मंडे को प्लानिंग बनने वाली है कुछ इंदौर के बाहर एक्सप्लोर करने की, पर दिक्कत ये हो गई है कि हमारे वो जो परिचित है उनका फ़ोन आ गया था, तो कल हमको जाना पड़ेगा मतलब मंडे को उनके काम से। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके वो मॉर्निंग में निपटा दूँ, और अगर 12 बजे तक भी फ्री होता हूँ तो हम निकल जाएंगे एक्सप्लोर करने उस प्लेस को। और नहीं हो पाते तो फिर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ देखेंगे। तो बाकी आपसे मैं मिलता हूँ जल्दी, तो आप बने रहिए। सो गाइस, ये हमारा खाना आ गया है, मस्त रोटी है, दाल है, ये गोभी की सब्जी है और इसके साथ अमूल की छाछ है। तो अभी हम खाना खाते हैं और मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे मैं। तो अभी 6 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया है रेंजू को घुमाने में। एक्चुअली मेरा टाइम पे ध्यान ही नहीं गया और रेंजू भी नहीं आया था, और कुछ मैं लैपटॉप पे ही काम कर रहा था। तो अभी हम चलते हैं और रेंजू को घुमा के लाते हैं, तो अभी आपसे मिलता हूँ मैं। तो अभी अब मैं चेंज कर लेता हूँ और यूं ही आपसे मिलता हूँ। तो अब हमने चेंज कर लिया है, अब मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई, ये रेंजू है ना, चालू हो गया इसको रोना, ऐसे गलती मेरी है, मैं लेट हो गया। चलो चलते हैं यार, है ना, चले चल रहे। ये हमारे रेंजू के वस्त्र, अब जो इसको पहनाते हैं हम और चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि अभी रेंजू थोड़ा नॉर्मल चलने लगा है और काफ़ी बेटर है पहले से। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न ऐसा क्यों हुआ। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको अपडेट देना भूल गया था, परसों मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, तो कल आए थे वो देख के गए, तो उन्होंने कुछ इसको मल्टीविटामिन गोलियाँ लिखी है, जैसे एवियन 400 है और एक दो चीज़ें और लिखी है, और उन्होंने उसको कुछ पेन किलर भी लेके बोला है मेरे को कि आप रख लो अपने पास, कि कभी इसको पेन हो ज़्यादा तो दे सकते हैं, 3 दिन के लिए रोज़ एक गोली देनी है। तो अभी तो मैंने दी नहीं है, और अभी उन्होंने बोला कि सिर्फ यही दे दो मल्टीविटामिन, इससे ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो कल रात को ही मेडिसिन आई थी, पर जब तक रेंजू का खाना हो गया था, तो आज मॉर्निंग से हमने उसको चालू करी है। उसको मेरे हिसाब से 3 अलग अलग दी है, एक पाउडर भी दिया है और 2 गोलियां दी है, एक एक देना है, पर एक ही दिन में एक देना, बस 3 दिन के लिए, 3 नहीं और 10 दिन के लिए देना है। तो उसने बोला अभी ठीक हो जाएगा पूरा, और बाकी जो उसने पेन किलर दिए कभी एक्यूट हो तो उसको सिर्फ 3 दिन के लिए देना है रोज़ एक। तो उसने बोला है कि रख लो अपने पास एक्स्ट्रा, तो मैंने एक पत्ता रख लिया है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली क्या होता ना गाइस, जैसे डॉग की एज बढ़ती है तो तकलीफ़ें होती है उनको, और कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, तो गॉड ग्रेस कुछ नहीं हो तो अच्छा है। और बाकी अभी मिलता हूँ मैं आपसे। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये जहाँ पे हम रेंजू को घुमाने लाते हैं उसी रोड पे ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी चलता है ये, मतलब इस रोड पे एक ही रेस्टोरेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी हमेशा खड़ी ही रहती है। तो अभी हम रेंजू को घुमा के आ गए हैं, और मेरे को एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे कि मैं ना हमेशा यूट्यूब पे ना बीच बीच में कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ। जैसे अभी मैं ना एक महाराज है श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहता हूँ, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं उनका, मतलब उनकी जो बातों में स्पिरिचुअलिटी बहुत है, और आप उनको सुनोगे ना तो आप बहुत एनर्जी फील हो जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आएगी आप में, तो काफ़ी मज़ा आता उनकी चीज़ें सुनने में। तो अभी मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस आप देख सकते हैं ये वाली च्यूएबल टैबलेट है, जो डॉक्टर ने बोला था कि कभी उसको पेन हो तो ये दे सकते हैं, तो आप देख लीजिए अगर आपके भी डॉग को कभी ऐसे कोई किसी भी प्रकार की अगर आप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये दे सकते हैं, पर फिर भी एक बार आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर देना और फिर ले सकते हैं ये।
तो अभी है ना, हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं गाड़ी पे, क्योंकि मॉर्निंग से मैं गया हूँ नहीं कहीं भी, तो बड़ा अजीब लग रहा है घर पे बैठे बैठे। एक्चुअली इतनी आदत नहीं मेरे को बैठने की, तो अभी मिलता हूँ आपसे वहां पे आके। सो गाइस, अभी हम घूम के आ गए थे, पर पता नहीं एक दिक्कत हो गई है कि जो मेरा कैमरा है उसको पता नहीं क्या हो गया था। जब मैंने पूरी शूटिंग करी और घर पे पहुंचा मैं, तो उसमें कुछ शूटिंग ही नहीं मिली और कैमरा अलग हैंग हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, पर उसमें कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो शायद हमारा कल का जो ये है, मतलब MP09 राइडर का चैनल है, उस पे शायद वीडियो नहीं डल पाएगा, पर हम कोशिश करेंगे कि कल मॉर्निंग में ही कुछ ना कुछ इसका अपडेट करें और एक शॉर्ट में डाल दे। तो समझते हैं कुछ ना कुछ, बाकी मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। सो गाइस, अब हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और कल आपसे मिलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लेट नाइट भी हो गया है और अब हम सोने जाएंगे, क्योंकि एडिटिंग का भी काम ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब आपसे कल मिलते हैं। तो आप आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और आपको अगर रेगुलर अपडेट्स चाहिए हमारे वीडियो से तो उसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अब आपसे कल मिलते हैं, तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बूम। Thanks for watching my channel, Swaraj Mahedikar. Please subscribe, like, share and comment below.